जी तो देखिए, मेरा नाम प्रमोद, और आज के दिन हम बात करने वाले हैं GTL इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड के बारे में। तो जहां आरकॉम, आर पावर और HFCL जैसे स्टॉक्स अपर सर्किट पे अपर सर्किट ले रहे थे और इसने आज के दिन भी अपर सर्किट लेने की कोशिश की थी, वहां अभी के टाइम ही गिर चुका है। और बात माने तो बहुत ही ज़्यादा गिरावट देखने को मिली है कुछ एक मिनट पहले, इसलिए मैं आपके ऊपर इसके ऊपर वीडियो बना रहा हूँ कि आपको पता चल जाए 5% जैसा लोअर सर्किट इसमें लग चुका है, 5% जैसी गिरावट। स्टॉक जितना पॉजिटिव चल रहा था अब उतना नहीं रहा। बात कर लूँ इसके व्यूज़ के बारे में, आज इसके अंदर बात करेंगे। तो अगर आप इस चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, पहले भी कर चुके हैं और अभी तो सब्सक्राइब नहीं किया है, तो अब फाइनली आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, साथ में बेल आइकन दबा सकते हैं जिससे आपको लेटेस्ट अपडेट मिल जाए। बात करें अगर 5 दिन की, तो आपको गिरावट साफ देखने मिली। कल के दिन जो अपॉर्चुनिटीज़ के अंदर खड़ी हुई थी आज के और कल के दिन, उससे ऐसा लगा था कि अब बढ़िया चलेगा स्टॉक, लेकिन गिरावट में रहा साफ, आपको गिरावट देखने को मिली होगी और ये गिरावट बहुत ही ज़्यादा कल के कंपैरिजन में। तो अगर बात कर लें, 2 दिन का सर्किट बिल्कुल ही खराब हो चुका है। इतने दिन से जो 5-5% के सर्किट से आ रहा है स्टॉक, अब उससे कंटिन्यू हो रहा। आज तो पूरे टाइम 5% का लग चुका था, लेकिन अब आधा हो चुका है स्टॉक, जल्दी से कम बैक कर रहा है अब स्टॉक बिल्कुल। और अगर बात कर ले इसके महीने भर की, तो आपको साफ गिरावट देखने को मिली है, 50% जैसी गिरावट। 6 महीने में जो इतना बड़ा जंप था 33% का, वो 50 आधा हो चुका है और अभी ये स्टॉक तैयार हो रहा है एक लॉन्ग टर्म रेस के लिए, तो उसका आपको वेट करना चाहिए और बढ़िया रिटर्न्स दे सकता है ये स्टॉक। तो इसलिए अगर आप वेट करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा मैं क्यों वेट के लिए कह रहा हूँ, क्योंकि इसके अंदर बढ़िया रिटर्न्स अभी भी खोजे जा सकते हैं, तो आप डरिए मत। और अगर बात कर ले इसके 6 महीने में, तो 6 महीने में बढ़िया पॉजिटिव रहा, लेकिन 1 साल के अंदर पॉजिटिविटी देखने को तो आपको भी मिली होगी, लेकिन अगर मैं बात करूँ 5 साल की, उसके अंदर कम है, लेकिन अगर देखें 680% 1 साल में बढ़िया रिटर्न्स होते हैं। 5 साल में आप देख सकते हैं माइनस में 7% जो जंप आया था आज के दिन, अगर वो होता तो बिल्कुल न्यूट्रल हो जाता है स्टॉक, मैं इसके अंदर तो ओवरऑल गिरावट में रहेगा ही। और अगर फाइनेंशियल देखा जाए इसका, तो आपको देखने को मिलेगा जून वाला बढ़िया था, मार्च मतलब क्वार्टर तो इसके बढ़िया आ रहे हैं ओवरऑल देखा जाए तो, कंपनी इंफ्रास्ट्रक्चर से बिलोंग करती है और अच्छे क्वार्टर दे रही है, तो आने वाले टाइम में बढ़िया रिटर्न दे सकती है। वैसे तो 1 साल के अंदर बढ़िया रिटर्न दिए हैं, अब इसको वेट करना है कितने और दे सकती है। तो ओवरऑल आज का वीडियो इतना ही था, अगर आपको पसंद आता तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए अगर आप शेयर मार्केट से बिलोंग करते हैं। थैंक यू।